कावेरी कुंडी क्यों खोल रही है तू? कावेरी कावेरी क्या कर रही है तू? क्या चल रहा है तेरा? अरे बाहर क्यों जा रही है कावेरी? कावेरी कावेरी खबरदार बाहर गई तो। सबको समझाया था ना मैंने? मुझे जाने दो, मुझे बाहर जाना है। अरे क्या बोल रही है तू? इस समय कहाँ तुझे बाहर जाना है? चल चल यहाँ से। नहीं, मेरे को बाहर जाना है। आई, क्या है ये? तुझे पता तक नहीं? कमरे से बाहर आ गई और बाहर जा रही है, तुझे कैसे पता नहीं चला? मुझे लगा कि। क्या लगा तुझे? मेरे को जाने दो, मुझे बाहर जाना है, जाने दो अम्मा। क्या बक रही है ये? और अभी कहाँ जाना है इसको? आवाजें कैसी आ रही थी? आई, ये सब क्या हो रहा है? कावेरी चलो ऊपर चलो। नहीं, मुझे जाने दो, मुझे बाहर जाने जाने दो ना अम्मा। कैसे जाती है तो मैं देखती हूँ ना। अम्मा चल, अम्मा जाने दो मुझे। अम्मा चल, अम्मा जाने दो ना। चल चल अम्मा। आ इधर अम्मा, आ इधर अम्मा, जाने दो ना। आ इधर इधर अम्मा, मुझे बाहर जाने दो ना। कोई बाहर नहीं जाएगा, बैठ यहाँ। नहीं अम्मा, मैंने कहा ना बैठ यहाँ। बैठ यहाँ, बैठो यहाँ। अम्मा बैठो। अम्मा मुझे जाने दो ना, मुझे जाने दो ना, मेरे को जाना है। अभी मेरे को बाहर जाने, जाने दो, अभी जाने दो ना मेरे को, अभी प्लीज, अभी जाने दो, मुझे जाने दो, अभी सुनो ना प्लीज। किसी को कुछ नहीं होने दूंगी मैं। ऐसे कैसे रहे तू निर्दयी? इन बच्चों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? क्या उनके लिए जरा भी दया नहीं आती? जान लेने वाला संकट घर के बाहर खड़ा है और उसके चंगुल में अगर मेरे बच्चे फंस गए ना, तो ये इंदू नाइट तेरे इस अस्तित्व को कभी नहीं मानेगी। हे प्रभु, तेरे अस्तित्व का संकेत दे रे बाबा। अरे जिसके कोख में इस घर का वंश आना चाहिए, उसे ये भूत प्रेत खत्म करने पे तुले हैं और तुम आंखें बंद करके बैठे हो। अरे अब तो जागो भगवान, जागो है प्रभु, जागो रे बाबा। अम्मा बस चुप 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 हो जा बेटा, चुप। जो कुछ है वो है, उसमें तेरी कोई गलती नहीं है रे, कोई गलती नहीं। ये सब इस तरह से कितने दिन और चलेगा क्या पता? अब अगर मैंने कुछ बोला होता ना तो मैं ही बुरी बन जाती, पर अच्छा हुआ इस घर की बेटी ने ही बोला। सरिता, उपाय चल रहे हैं ना? किसके उपाय? कैसे उपाय? उस बच्ची के? माधव भैया, वो जब से आई है ना घर का कुछ भला नहीं हुआ, और कुछ हुआ है तो आप बताओ। देखो ये सरिता दोबारा मुंह नहीं खोलेगी, बोलो बताओ। सरिता मुंह खोलकर भी कुछ होने वाला है क्या? अरे जो मन का दुख है वो तो बाहर निकलता है ना। हारी, बहुत दुख पहुंचा है तुझे, अब क्या तू कहेगी कि पैरों में गिरकर माफी मांगो तो मुझे माफी मांगनी ही पड़ेगी? क्या करें बेटा, मैं कुछ भी नहीं कर पाई। ये एकदम बराबर आता है हा? मीठा बोल के सामने वाले को फुसलाना। कौन किसे फुसलाएगा? हाँ जो है वो सामने है। वही तो कह रहे हैं हम, जो भी है वो सब सामने ही है, तो फिर तुम कुछ करती क्यों नहीं हो? देखो इस कावेरी की क्या हालत हो गई है, देखो।
रोज लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर ढाक के तीन पात। अभी ये दरवाजा खोलकर बाहर चली गई तो इसकी जिम्मेदारी लोगी क्या तुम? क्या जिम्मेदारी ली है? इसलिए तो सबसे कहा था कि कोई बाहर नहीं जाएगा। तुम लाख बातें बताओगी लेकिन ये सब कब खत्म होने वाला है ये नहीं बताओगी। ये अगर मुझे पता होता तो आराम से बैठकर उस समय की राह न देखती होती। ये भगवान, देखा आई, इसके जवाब तो सुनो। आपने ना इस पर विश्वास करके कोई अच्छा काम नहीं किया। सरिता चुप बैठ जरा। कावेरी इधर आ। बेटी तेरी तकलीफ तुझे ही पता। अभिरामा ये बाहर रास्ते पर फेंक कर आ। रुक, मैं भी चलता हूं साथ में, चल। मेरे को कुछ भी होगा तो चलेगा, पर इस घर ने मेरे को बहुत दिया है, यहां किसी को कुछ नहीं होना चाहिए। कावेरी अम्मा, आपने ना आई जैसा प्यार दिया, मेरा कोई भाई नहीं है। दत्ता भैया, माधव भैया मेरे बड़े भैया जैसे है। चाया दीदी, भाभी, इन्होंने ना मेरे को बहुत संभाला है। डांटते थे पर हक से, मेरे हक के लोगों को कुछ भी नहीं होना चाहिए। मैं नहीं देख पाऊंगी, प्लीज काकी। क्यों रे, सब संकट क्या तू अपने ऊपर ले लेगी? हाँ आई, देखो ना ये क्या बोल रही है, कुछ नहीं होने दूंगी। हाँ, और मैं तुझे बाहर जाने भी नहीं दूंगी। कावेरी, किसी को कुछ नहीं होगा, वचन दिया है मैंने। कावेरी आ, आ ना। मैं नहीं डरने वाली तेरे से। अरे सहेली हूँ मैं तेरी, तू मुझसे क्यों डरेगी? और तेरा सब भला हो इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ ना। तू उस वच्छी की ओर ध्यान मत देना। हाँ, तुझे पता है ना उसे हमारी दोस्ती तोड़नी है, तू अनदेखा कर दे उसे। इससे पहले किया था पर मैं वो गलती दोबारा नहीं करेगा। वच्छी काकी पर मेरे को पूरा विश्वास है। तूने अपनी दोस्ती का फायदा उठाया और वो उठाने के लिए मेरे से दोस्ती भी की, पर अभी नहीं, दूर चली जा, मेरे से दूर चली जा तू। बच्ची, ये तकलीफ मुझसे सही नहीं जाती। तो क्या मुक्ति चाहिए? हाँ, मुझे मुक्ति चाहिए। ऐसे कैसे अन्ना, जिसके लिए तू ये सब करने के लिए फिर आया उसका क्या मतलब? अन्ना, जिंदा रहते भी तेरे पास दो पर्याय थे, तेरा परिवार और तेरी शेवंता। तूने तेरा पर्याय चुनकर शेवंता की खातिर कितने लोगों की जान ले ली ना, वही पाप तुझे मौत के दरवाजे ले गई। और अब मरने के बाद तू तेरे शेवंता का साथ छोड़ देगा अन्ना? नहीं नहीं, मुझे शेवंता चाहिए। अन्ना, सब कुछ तेरी इच्छा से कैसे होगा? हाँ, दो ही पर्याय हैं, एक ही चुन, शेवंता चाहिए या मुक्ति चाहिए। अच्छी?
अन्ना आपको सच में मुक्ति चाहिए? यही एक रास्ता है। और मेरी इच्छा? शिवंता, कैसी इच्छा और कैसा क्या? भूल जाओ जो कुछ हुआ। अन्ना भूल जाऊं? क्या भूल जाऊं मैं? आपके लिए मैंने अपना घर छोड़ दिया ये भूल जाऊं? अपने बेटी के हाल हाल किए ये भूल जाऊं? इस बाड़े में हुआ मेरा अपमान भूल जाऊं मैं? आपने तोड़ी शादी भूल जाऊं मैं? कुछ भी भूलने जैसा नहीं है अन्ना। ऐसा लगता है जैसे अभी अभी सब हुआ है। फिर गुस्सा आता है, चिढ़ आती है, ऐसा लगता है ये सब खत्म कर दूं और इस बाड़े में हमेशा के लिए राज करूं। ऐसा करके कुछ नहीं मिलेगा शेवंता। कुछ नहीं मिला तो भी चलेगा। कुछ पीछे छूट गया है, ये हारने वाला दर्द तो नहीं होगा? शेवंता ऐसा मत करो, चलो मेरे साथ बाहर चलो। अन्ना यहाँ मैं अपनी जिद से वापस आई हूँ। जब तक मेरी जिद पूरे नहीं करेंगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी और आपको भी नहीं जाने दूंगी। क्यों रे, सोई नहीं अब तक? नींद कैसे आएगी? इंदु, तेरे कहने पर घर आई। तूने जो विश्वास दिखाया उसी के कारण यहाँ रुकी, पर अब अगर तुझे मुझ पर विश्वास नहीं रहा तो मुझे बाहर निकाल दे। मुझे बुरा नहीं लगेगा, ना ही गुस्सा आएगा। गुस्सा करने वाली बच्ची खत्म हो गई। ऐसा नहीं रे, सामने खड़ा संकट कितना बड़ा है ये देख रही हूँ मैं, पर बुरा इस बात का है कि ये संकट अपने ही आदमी के कारण खड़ा हुआ है। बच्चे, मेरे मन में एक विचार आया है। बोल। नहीं मतलब तुझ पे भरोसा नहीं है ऐसा नहीं, पर मेरी अपनी एक श्रद्धा समझ। घर में उदक शांति करने का सोच रही हूँ। तुझे लगता है ना, तो कर ले कल उदक शांति। हाँ, मुझसे क्या पूछना, कर ले। अरे रे रे रे, ये क्या कर रहा है तू? अरे घर से नहा के आया हूँ ना मैं अभी। उंडेला, पानी उंडेल गया। पेड़ों को ऐसे पानी डाल रहा था ना, तो ऐसे आप पर उंडेल गया, उंडेल गया। आप पूजा करने आए हैं ना? उदक शांति कहते हैं उसे, उदक शांति। ऐसा क्या? पर उदक शांति के लिए बासी पानी नहीं चलेगा। आपके पूजा करने के बाद अन्ना घर से चले जाएंगे, शेवंता भी चली जाएगी ना, वो दोनों यहीं भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं, किसी को नहीं दिखते हैं। तुझे दिखते हैं क्या रे? मुझे दिखता है, मुझे सब दिखता है। शेवंता है ना शेवंता, वो वहाँ रहती है पेड़ पर, वहीं पर फांसी लगा ली थी ना उसने। पांडू, मुंह बंद कर और काम कर। पंडित जी आइए, आइए आप। पांडू, तूने मुझे नहला तो दिया ही है, अब थोड़ा पैर पे पानी भी डाल दे, फिर मैं अंदर जा सकता हूँ। हाँ, डालता हूँ डालता हूँ। यहाँ सिर्फ अन्ना और शेवंता नहीं है, बहुत सारे हैं। अब ये नारियल अपने हाथों से अपने भगवान के सामने रखी। भगवान के आशीर्वाद से उदक शांति की पूजा करनी है तुमको। उदक मतलब क्या? पानी। इस पूजा से शांत किया हुआ पानी घर में छिड़कना होगा, उससे क्या होगा,
घर में भटकने वाली बुरी शक्तियां घर से बाहर चली जाएगी। घर में बरकत आएगी, इसीलिए उदक शांति के कार्य का बहुत महत्व है। पक्षी! चीखने से कुछ नहीं होगा शेवंता, वो जिद पर अड़ी है। जब तक इस घर में बच्ची है तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जान ले लूंगी उसकी। शेवंता इतनी जल्दबाजी मत करो, इस अन्ना नाई को बच्ची ने बंधन में डाला है, वो कुछ भी कर सकती है। एक तरफ मेरे पापों के भूत और दूसरी तरफ बच्ची, फंस गया हूँ मैं। ये गलती तुम मत करना, अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें और तकलीफ हो इसलिए बच्ची ने इंदु से कहा उदक शांति के लिए। करने दो उदक शांति, पर इस घर का पानी इस घर में लगी आग को शांत नहीं कर सकता। शिवंता? हाँ, अब एक ही रास्ता है, बच्ची के साथ इस बाड़े को भी जला देते हैं। आपने ताजा पानी तो भर के रख दिया है ना? हाँ, तो सारा बासी पानी फेंक दिया। पता है मुझे, उस पांडू ने मुझ पर पानी उड़ाया था तब। वो भी ना। अरे हो गई गलती। पंडित जी, सारा ताजा पानी भरा है, बर्तन मांझ कर साफ सुथरा पानी भरा है। पंडित जी, अब आगे क्या करना है वो बताइए ना। अब उदक शांति की शुरुआत करनी है, उसके लिए लोटे में पानी लेकर आओ। पानी में ये सब कहां से आ गया? विघ्न है, इस उदक शांति के मार्ग में आया है कोई। वो पांडू जो बोल रहा था बिल्कुल सच था, यहाँ बहुत लोगों का डेरा है। वो दिखते नहीं है पर उनके प्रत्यक्ष होने का प्रमाण यहाँ दिख रहा है। वो ये कार्य संपन्न होने नहीं देंगे। और अन्ना से शादी करके इस बाड़े में आना चाहती थी, तो उस बच्चे को इस घर में लाकर रख दिया आपने, मुझे और अन्ना को जुदा करने के लिए। नाइक, मेरी अधूरी इच्छा अगर पूरी नहीं हुई ना, तो तुम्हें चैन से इस बाड़े में नहीं जीने दूंगी मैं। ये बाड़ा, इस बाड़े का अस्तित्व खत्म होगा आज, राख हो जाएगा ये बाड़ा, राख। शेवंता, खुद की जिंदगी को तो राख बना दी,
और अब इस घर को जलाना चाहती है। और याद रखना, जब तक मैं हूँ तब तक इस बाड़े को कुछ होने नहीं दूंगी। ले, जिस किसी की भी मदद लेनी है ले। जला दो बाड़े को, जला दो। शेवंता, अरे जब तक मेरी जान में जान है, बाड़े का और इस बाड़े के लोगों का बाल तक बांका नहीं होने देगी ये बच्ची। बाबी देखो, आप देखो, देखो ना, साफ है। क्या हुआ बाबी? कल की बात दिमाग से जा ही नहीं रही है। सर फट जाएगा मेरा ऐसे। नहीं, रोकना होगा ये सब। ये सब रोकना ही होगा बाबी, रोकना ही होगा ये सब। बाबी मेरी अधूरी इच्छा अगर पूरी नहीं हुई ना, तो तुम्हें चैन से इस बाड़े में नहीं जीने दूंगी मैं। ये बाड़ा, इस बाड़े का अस्तित्व खत्म होगा आज। राख हो जाएगा ये बाड़ा, राख। मुझे मैंने सावधान किया था, वो भूत प्रेत अपना बदला लेने आए हैं। वैसे छोड़ेंगे नहीं तुझे। जब तक उन्हें उनका बदला नहीं मिल जाता तब तक वो किसी की नहीं सुनेंगे। क्या चाहते हैं वो? नाइक की बलि। काकी, उदक शांति नहीं हुई ना माधव? नहीं, होगी भी नहीं। अन्ना और भूत प्रेत बलि लिए बगैर शांत नहीं बैठेंगे। पर आप ये सब उन्हें क्यों नहीं बताती हैं माधव? हाँ, इस घर के सब लोग मेरे भाई बहन हैं, मेरे अपने हैं। पर फिर भी तुम्हें कोई दोष दे तो मुझे सही नहीं लगता। औरों के दुख कम करना अलग बात है और खुद के लोगों के लिए कुछ करना अलग बात है। ये उन्हें समझ नहीं आ रहा। मुझे पता है, इतनी कड़वी बातें सुनकर भी आप हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। आपको किस तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है ये मैं साफ देख पा रहा हूँ। और उस सब के बाद भी ये लोग सिर्फ आपको ही दोष दे रहे हैं, तो आप उन्हें साफ साफ पता क्यों नहीं देती कि आखिर सच क्या है? आप क्यों नहीं बता रही हो कि उदक शांति निर्विघ्न क्यों नहीं हो पाई? माधव, ऐसा बताकर वो मानेंगे नहीं, अनुभव होना चाहिए। देख रही हो ना, जब से बच्ची आई है तब से घर की तकलीफें कितनी बढ़ रही हैं। आई, अरे तुम तो कुछ कहो उसे, कुछ करने को कहो, नहीं तो यहाँ से जाने को कहो। देखो, अगर कोई कुछ नहीं बोलने वाला है ना, तो मैं ही बुरी बनने को तैयार हूँ। उस बच्ची का हाथ पकड़कर यहाँ से निकालूंगी। अरे बाबा, तुम क्यों निकालोगी बाहर? मैं खुद ही चली जाऊंगी। अह
पर हाथ में लिया काम पूरा करने के बाद वो तो तुमसे होने से रहा और तुम यहाँ से जाने से रही। सरिता, तू तेरे ससुर जी को और छाया तू अपने बाप को पहचानती है ना? उसके जैसा जिद्दी कोई है क्या? और असल में ये जो कुछ हो रहा है वो करे भले कोई और, पर उसमें अड़चने पैदा करने वाला अन्ना और उसका साथ देने वाली शिवंता। अरे देखो ये बात ना तुम हजार बार बता चुकी हो, हाँ कैसे विश्वास करें तुम पर, बताओ ना। बराबर बोल रही हैं सरिता, अगर अन्ना जिंदा है तो उनको सामने ला, नहीं तो उनका श्राद्ध कर। ऐसा है तो सबको सामने दिखाती हूँ। सयाजी, ए सयाजी, बोल अब क्या हुआ? ए भाई बोल अब, क्यों बुलाया सयाजी राव को यहाँ? ये क्या है अब? दत्ता, जो कुछ हो रहा है सबके सामने आने दे। दया जी, आ, बैठ इस गोल में। दया जी, बिल्कुल नहीं। वच्छी, तुम जो कुछ भी कहोगी वो दया जी नहीं करने वाला है। सुषमा, तेरे मर्द को कुछ नहीं होगा, इस बात का भरोसा मैं देती हूँ। अब तक कितनी बार भरोसा दिलाया तुमने, क्या हुआ? नहीं, आपके इस झमेले में फंस के मैं अपने पति की जान खतरे में नहीं डालूंगी। देखो सुषमा, मुझे कुछ भी नहीं होगा। अरे सहजी पागल हो क्या, तुम इन सब में क्यों फंस रहे हो? सुषमा मुझे कुछ भी नहीं होगा। तुम मेरी बात नहीं मानोगे क्या? जिंदगी भर तुम्हारी बात मानते आया। पर बच्चे हिंदू, उसे कुछ नहीं होगा, बैठ। सया जी, तुझे तेरा शरीर चाहिए था ना, दे दिया तुझे। पर ये शरीर लोगे वो मेरी इच्छा से, और इसमें से बाहर निकलोगे वो भी मेरी इच्छा से। हाँ ले तेरा शरीर, संकेत दे मुझे अन्ना। क्या चाहिए तुझे? बच्चे, मुझे तकलीफ देते हैं, इस अंडा नाइक को तकलीफ देते हैं। कौन तकलीफ दे रहा है तुझे? तातू, भिवरी, काशी, शोभा, सदा, वो चोंटिया, और हाँ वो दो टके का पोस्टमैन।
उन्होंने तुझे तकलीफ देने का कारण मार डाला। उन सबको मैंने मार डाला, जान ले ली एक एक की। बच्चे, नायक की बलि दिए बगैर ये तकलीफ खत्म नहीं होगी। मुझे एक नायक की बलि चाहिए, वरना मैं सबको ले जाऊंगा। मुझे बलि चाहिए बच्चे। जी क्या बोल रहे हो? जीते जी कभी बच्चों को प्यार नहीं दिया, अब उनकी जान लेना चाहते हो? पर उनकी आई अब तक जिंदा है, मैं अपने बच्चों का बाल भी बाकी नहीं होने दूंगी। देती हूँ, तुझे बलि देती हूँ। अन्ना, तुझे नायक की बलि मिलेगी। तुझे नायक की बलि मिलेगी। पानी? अरे पर तुम क्यों आए यहाँ, मुझे बोल देना। क्या तुम भी, चलो हटो यहाँ से। अरे घर में क्या चल रहा है तुम जानते हो ना, और ये भी जानते हो ना कि नायकों को पानी का धोखा है, फिर भी बावड़ी में झांक कर देखते हो। सरिता हंसो और हंसो मुझ पर, पर मेरे दिल पर क्या बीतती है मुझे ही पता है। दिल की धड़कन बढ़ जाती है। तुमको कुछ हो गया तो क्या होगा? मुझे ऐसा लगता है इस घर के लिए मैंने जितना किया है ना, उससे ज्यादा तकलीफ मैंने इस घर को दी है। आई ने एक एक बर्तन जमा किया था, ये घर बसाया था, पर सब बेच दिया। बुढ़िया अकेली यहाँ रहती थी, पर कभी उसे मिलने नहीं आया, हमेशा बस दारू में डूबा रहा। पर इतना सब करने के बाद भी उसने गले लगाया मुझे। आज शुरुआत में चिल्लाई, गुस्सा किया, पर वो अधिकार था उसका। हाँ पर तुमने भी कुछ कम मेहनत नहीं की है घर के लिए। अब इस घर के लिए कुछ करने का समय आ गया है ना, तो करना ही पड़ेगा ना। मतलब इस घर के लिए मेरी बलि चढ़ गई ना, तो सारे पाप धुल जाएंगे। करो जो करना है वो करो तुम। हाँ मेरी बिल्कुल चिंता नहीं है ना तुम्हें, मैंने बहुत तकलीफ दी है ना तुमको, मुझसे छुटकारा चाहिए ना तुम्हें। हाँ छुटकारा चाहिए ना मुझसे। सरिता, सरिता, अन्ना, अन्ना आप किसे ले जाने वाले हैं? मुझे सब कुछ मालूम है, आप किसी को लेके जाने वाले हो ना? नहीं ना, नहीं किसी को मत ले जाओ।
माई को मत ले जाओ, वो 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 मुझे खाना देती है, मुझे लाड़ प्यार भी करती है। माई को ले जाएंगे तो मुझे लाड़ कौन करेगा? दत्ता बाऊ को भी मत ले जाना, वो मुझे बावले बावले कहते हैं, फिर मुझे बावला कौन बोलेगा? अभी भाव को भी मत ले जाना, हाँ उनके साथ मुझे गेंद खेलना है, गेंद रखी है मैंने, वो खेलनी है उनके साथ मुझे। कावेरी भाभी को लेकर जाएंगे तो अभी भाव अकेले पड़ जाएंगे, उन्हें भी मत ले जाना। छाया दीदी, हाँ छाया दीदी को लेकर जाइए, वो मारती है मुझे, पर छाया दीदी को लेकर जाएंगे फिर घर में चिल्लाएगा कौन? छाया दीदी को भी मत ले जाना, किसी को भी मत ले जाना अन्ना, सबको लेकर गए तो मैं अकेले कैसे रहूंगा यहाँ? मैं नहीं रहूंगा अकेले बाड़े में। ए पांडु, मुझे सब कुछ मालूम है अन्ना, किसी को तो लेकर जाएंगे ना। कौन कहता है रे कि तू बावला है? सबसे होशियार है तू, किसी को कुछ भी नहीं होगा, सभी तेरे साथ इसी घर में रहेंगे। हाँ, कोई नहीं जाएगा, कोई कहीं नहीं जाएगा, मैं भी किसी को नहीं जाने दूंगा, मैं यही बैठा रहूंगा, अन्ना किसी को ले जाना चाहेंगे तो मैं उन्हें रोकूंगा, अन्ना ने मारा तो भी चलेगा पर मैं रोकूंगा, नहीं किसी को नहीं जाने दूंगा। तू ही क्यों, हम सब एक दूसरे को संभाल लेंगे। कोई नहीं जाएंगे। काकी, सिर्फ मैं ठीक हो जाऊं इस एक शर्त पर आपने बाबा को मुक्त कर दिया, पर अगर इस सब से घर पर मौत का साया मंडराने वाला है तो बाबा से कहो कि मुझे फिर से वैसा ही कर दे, मैं जी लूंगा अपनी जिंदगी वैसे ही, पर अब घर से किसी की बलि नहीं चढ़ेगी, मेरी इतनी इच्छा पूरी करोगी ना? माधवा, तेरे बाप को तूने देखा है, तू जो कह रहा है वो करना अगर इतना आसान होता तो ये सब यहाँ तक पहुंचा भी होता क्या? मतलब अब तक हारी नहीं मैं, और वो भी आसानी से हारेंगे ऐसा नहीं लगता। क्या चाहिए तुझे? मुझे एक नाई की बलि चाहिए। बेटा आ, दाएं पैर से ये कलश गिरा दे और इस घर की चौखट पार करके अंदर आ। हाँ
क्या कर रही हो? कुछ नहीं। सया जी, एक बात पूछूं, बताओगे? पूछो। तुम पागल हो गए थे क्या जब हमारी शादी हुई थी? मुझ जैसी लड़की से शादी कर ली? सयाजी, आज तक मैंने बहुत परेशान किया है ना, तुम पर गुस्सा किया, कैसा बर्ताव किया, गए? जरूर यहाँ कोई है, कौन होगा अंदर? चिल्ला मत, मैं ही हूँ। अरे, कमरे से आवाज आ रही है। मुझे भी सुनाई दिया। कौन है? दत्ता भैया, किसी की आवाज। रुको, तुम कहाँ चले? दत्ता भैया रुको, मैं देखता हूँ। रुको रुको, रुको।